काफी दिनों से कथावाचक प्रदीप मिश्रा के विवादित बयान को लेकर बहस छिड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं बल्कि मथुरा के छाता कस्बा निवासी अन्य घोष के साथ हुआ था, जिसके बाद से प्रदीप मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। ब्रिजवासियों में गुस्सा था, साधु संतों में आक्रोश था और सब कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इतने विवादों के बीच अब जाकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे और पहुंचते ही राधा रानी के पैरों में गिर गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के सामने दंडवत होकर नाक रगड़ कर माफी मांगी और कहा कि राधा रानी मेरी इष्ट है। उनका कहना था कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके लिए राधा रानी उन्हें माफ करे, वो राधा रानी के भक्त हैं और उनके भक्त उन्हें माफ करें। साथ ही प्रदीप मिश्रा का कहना था कि वो अपनी हर कथा में ये कहेंगे कि उन्होंने राधा रानी के बारे में गलत शब्द कह दिए, जिसके लिए राधा रानी उन्हें माफ करें। यही नहीं, वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लाखों भक्तों की भीड़ राधा रानी के मंदिर में मौजूद है जब प्रदीप मिश्रा माफी मांगने पहुंचते हैं। वहां मौजूद महापंचायत के लोगों का क्या कहना है, सबसे पहले आइए सुनते हैं। आज महापंचायत में क्लियर निर्णय हुआ है कि यदि प्रदीप मिश्रा क्षमा मांगने से पहले उसको कहना पड़ेगा कि मेरी मति मारी गई, कि मैंने राधा जी के बारे में ऐसा घोर अनन्य अपराध किया, उसके बाद ही उसको यहाँ माफी के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माफी मांगने के लिए बरसाने आए, नाक रगड़े, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी और उसके लिए 7 दिन का अनुरोध हमारे कप्तान साहब से किया जा रहा है और निश्चित विश्वास है हमारे यशस्वी कप्तान साहब उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराएंगे। और यदि वो फिर भी हमारे पूज्य शंकराचार्यों से भी अनुरोध, शंकराचार्य भगवान सभी आचार्यगणों से अनुरोध किया जा रहा है कि उसको व्यास गद्दी से बहिष्कृत किया जाए, फिर भी नहीं मानता है तो बहुत बड़ा आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, हमारा हाईवे जाम करने का आंदोलन, पूरे ब्रज के मंदिरों का बंद करने का आंदोलन ये किया जाएगा, निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम होगा। आज ब्रज 84 कोष के संत महंत कथाचार्य, भागवताचार्य, रासाचार्य, सभी संप्रदायों के यहाँ पर संत इकट्ठे हुए, परम वैष्णव इकट्ठे हुए, कई गांवों के प्रधान यहाँ पर आए, 84 कोष से लोग आए हुए थे। सबने एक मत से निर्णय लिया है प्रदीप मिश्रा जल्दी से जल्दी मीडिया पर क्षमा याचना करे, माफी मांगे और बरसाना आकर के राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़े और कहे मुझसे गलती हो गई है। यदि वो क्षमा कर मांगने आएगा तो ही प्रवेश करने दिया जाएगा, वो केवल दर्शन करने आएगा तो उसे प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रदीप मिश्रा ने ये भी कहा था कि बरसाना उनका पैतृक गांव नहीं है, बरसाना में राधा रानी के पिता की कचहरी लगती थी, जिसमें राधा रानी अपने पिता के साथ वर्ष में एक बार आती थी। उनके इस कथन को लेकर ब्रज के साधु और संतों में आक्रोश पनपा था। पिछले दिनों महापंचायत कर उनके ब्रज 84 कोस में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए SSP को प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। साथ ही शनिवार को करीब 2 बजे प्रदीप मिश्रा राधा रानी से माफी मांगने उनके मंदिर भी अब पहुंच गए थे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।